एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के जीआरपी थाने में मुश्ताक पठान के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धारा में अपराध दर्ज किया गया था। आपको बता दें इस मामले में कोर्ट ने न सिर्फ मुश्ताक पठान को दोष मुक्त किया है, इसके अलावा आपको बता दें मुश्ताक पठान के वकील ने जो पुलिसकर्मी हैं उसके खिलाफ 384 यानी ब्लैकमेलिंग की धाराओं में अपराध दर्ज करने को लेकर परिवाद पेश किया है और कोर्ट ने परिवाद स्वीकार भी कर लिया है। आइए जो फरियादी मुश्ताक पठान है उनके वकील ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, उनकी पूरी बात आपको सुनवाते हैं। देख कहते ना कि ईश्वर घर देर पर अंधेर नहीं है, ऐसा न्यायालय के संबंध में भी कहा जा सकता है। संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय में जो मामले आते हैं उसको विद्वान न्यायाधीश गण द्वारा निश्चित ही सारे पहलुओं पर ध्यान देते हुए और परीक्षण करने के उपरांत दूध का दूध पानी का पानी होता है और यही न्याय की मंशा भी है। एक मामला ऐसे ही हमारे खंडवा शहर का है, मुश्ताक अहमद खान नामक व्यक्ति जो कि अपने एक रिश्तेदार को टिफिन देने के लिए जो जिसका पर फूड संचालन था सेंटर गया हुआ था, ये बात है कि आपके अक्टूबर 2018 की तब वहाँ एक आरक्षक के द्वारा उससे राशि की मांग की जाती है कि तू यहाँ आता है वेंडरी करता है इसलिए राशि दे, अन्य लोग भी देते हैं, इसकी शिकायत भी की थी उसने 22 अक्टूबर 2018 को आरपीएफ में। तदुपरांत वो व्यक्ति को उसी आरक्षक के द्वारा 31 अक्टूबर को मारा पीटा जाता है, उसके खिलाफ में जब वो व्यक्ति उसका प्रतिवाद करता है और उसकी रिपोर्ट डालता है तो उसने खुन्नस खा के उसके साथ में पुनः उसने हरकत करके मारपीट की जाती है और राशि की मांग की जाती है। जब वो व्यक्ति भाग जाता है वहाँ से उसको छुड़ाकर अपने आप को, तो एक झूठा मामला इसलिए कि उसका भाई पत्रकार है और अन्य भाई उसका आरक्षक वाला थे, इससे कि वो कोई कार्रवाई ना करे इससे सोचकर उन्होंने जीआरपी थाने का सहयोग लेकर आरक्षक ने और अपने अधिकारियों के सहयोग से उसके खिलाफ में एक मामला दर्ज करवा दिया 353 शासकीय कार्य बाधा का, 332 शासकीय सेवक पर बल उपयोग करने का और गाली गलौज 293 मारपीट और अपना 186 धाराओं में, 5-1 धाराओं में ऐसा आपराधिक प्रकरण जीआरपी से दर्ज करवा दिया। इस प्रकरण के अंदर दर्ज होने के बाद में रेलवे एक्ट के तहत भी आरपीएफ ने उसके खिलाफ में और उसके भाई के खिलाफ में एक अलग झूठा मामला दर्ज कर लिया। माननीय विद्वान रेलवे न्यायाधीश महोदय के समक्ष जो मामला आया है वो 5 साल जब मामला लगभग चले हैं मामले कोर्ट में, तो कोर्ट ने पाया कि वो मामलों के अंदर जो साक्ष्य चाहिए उस साक्ष्य को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को अभी 2 दिन पूरे ही 353 सभी धाराओं में मतलब दोषमुक्त कर दिया है। बल्कि इसी फरियादी के विरुद्ध जो एक साक्ष्य और परिवाद पेश किया गया था न्यायालय के समक्ष, उस परिवाद में माननीय न्यायालय द्वारा 384 के अंतर्गत अभी दिसंबर माह में उल्टा फरियादी के खिलाफ में प्रकरण दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए थे, जो प्रकरण अभी लंबित है। तो ऐसे में मतलब आरोपी दोषमुक्त हो चुका है जीआरपी के मामले में और फरियादी के विरुद्ध उल्टा मामला दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश किए हैं। तो जब कोई व्यक्ति आहत होता है, पीड़ित होता है कानून के ही अधिकारियों और उसके द्वारा दुर्भावनापूर्वक, तो माननीय न्यायालय का ही जो कर्तव्य रहता है कि ऐसे मामलों की सूक्ष्म रूप से छानबीन करें, अपने स्तर पर उसकी विवेचना करें, वो न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये इससे स्पष्ट हुआ। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अंबेडकर चौराहा खंडवा।